मैथमेटिक्स क्लास टू वेलकम टू द क्लास ग्रूमीज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर दैट इज मल्टीप्लीकेशन कीप योर बुक्स विद यू फॉर रेफरेंस मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन मतलब हम बार बार रिपीट करके सेम नंबर को और उसे ऐड करते जाएं। द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन और सेकेंड मेथड क्या है मल्टीप्लीकेशन एज यू कैन सी इन योर बुक्स पेज नंबर फोर्टी टू इसमें हमने ए, यहाँ पे सिक्स जार्स गिवन है हमको और उसमें फाइव फाइव कुकीज़ हैं तो हमने फर्स्ट में तो क्या किया फर्स्ट मेथड में हमने फाइव 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 सिक्स टाइम्स उसको ऐड कर लिया फाइव नंबर को और सेकेंड मेथड में हमने क्या किया सिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों ही केस में हमारे पास थर्टी आंसर आ गया द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज क्रॉस इट इज शोन लाइक दिस ग्रूमीज इफ वी रिप्लेस द वर्ड टाइम्स इन द अब एग्जाम्पल विद द मल्टीप्लीकेशन साइन वी कैन राइट इट एज सिक्स मल्टीप्लाई फाइव

ट्स इच जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा सिक्स ग्रुप्स मतलब अलग अलग जार्स थे वो अलग अलग ग्रुप्स थे और उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स थे हर ग्रुप में हर ग्रुप में हमारे पास फाइव फाइव ऑब्जेक्ट्स थे फाइव ऑब्जेक्ट क्या थे कुकीज फाइव फाइव कुकीज हर जार में थी द नंबर्स बींग मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड द फैक्टर्स द आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं और जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं नाउ यू कैन सी दिस एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर फोर्टी थ्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिक्स इससे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिक्स सीखेंगे इट्स वेरी इजी ग्रूमीज सी यहां पर हमें एक डाइस गिवन है एक डाइस के कितने फेसेस होते हैं सिक्स एक डाइस के सिक्स फेसेस होते हैं देखो अब जो नंबर वन है उसमें हमें उस डाइस पे हमें वन नंबर दिख रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया एज सिक्स वन ग्रुप ऑफ सिक्स फेसेस इज इक्वल्स टू वन मल्टीप्लाई बाई सिक्स इज इक्वल टू सिक्स वन मल्टीप्लाई बाय हम अगर सिक्स कहेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सिक्स और या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल्स टू सिक्स नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट सी इन द नेक्स्ट वन देर आर टू डाइसेस अब हमारे पास कितने डाइस हैं टू डाइस हैं दैट मीन सिक्स प्लस सिक्स हम डाइस के फेसेस को एड करें तो हर डाइस में सिक्स फेस होते हैं ना तो अब यहाँ पे टू डाइस हैं दैट मीन सिक्स प्लस सिक्स नाउ टू ग्रुप्स ऑफ़ सिक्स फेसेस टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व और वी कैन राइट इट एज सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल्स टू ट्वेल्व नाउ सी द थर्ड वन अब हमारे पास यहां पर थ्री डाइसेस हैं तो हमने सिक्स को यहाँ पर थ्री टाइम्स ऐड किया है और हमने दूसरा मेथड क्या यूज किया है थ्री ग्रुप्स ऑफ सिक्स फेसेस दैट मींस हम थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स से दैट इज एटीन और वी कैन राइट इट एज सिक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू एटीन नाउ सी दन नाउ देअ फोर डाइसेस तो हमने सिक्स को फोर टाइम्स ऐड किया है और हमने उसके बाद क्या किया हमने फोर ग्रुप्स ऑफ सिक्स फेसेस बना दिए दैट मींस हमने फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया फोर सिक्स ट्वेंटी फोर और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं दैट इज सिक्स मल्टीप्लाई बाई फोर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर नाउ सी द नेक्स्ट वन अब हमारे पास यहाँ पर फाइव डाइसेस हैं तो हमने सिक्स को फाइव टाइम्स ऐड किया है दैट इज फाइव ग्रुप्स ऑफ सिक्स फेसेस फाइव ग्रुप्स हैं हमारे पास अलग अलग और हर ग्रुप पे कितने फेसेस हैं सिक्स दैट इज फाइव मल्टीप्लाई बाई सिक्स इज एक टू थर्टी और हम इसे लिख सकते हैं एज सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव इज एकवल्स टू थर्टी नाउ अब हमारे पास यहाँ पर सिक्स डाइसेस हैं जैसे हमारे पास अब नंबर ऑफ डाइसेस हमारे पास इंक्रीज होते जा रहे हैं पहले हमारे पास फाइव था फिर हमारे पास सिक्स आ गया तो अब हम सिक्स को सिक्स टाइम्स ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट मेथड uh, में हम क्या करेंगे सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सिमिलरली वी विल कम्प्लीट द टेबल ऐसे ही हम सिक्स को सेवन टाइम्स ऐड करेंगे एट टाइम्स ऐड करेंगे नाइन टाइम्स ऐड करेंगे और टेन टाइम्स ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम इन सबको मल्टीप्लाई भी करेंगे सेवन को हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे देन हम एट को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे देन नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन टेन को मल्टीप्लाई करेंगे हम सिक्स से सो दिस इज हाउ वी विल फॉर्म द टेबल ऑफ सिक्स इस तरह से हमारी सिक्स की टेबल फॉर्म हो जाती है नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन अब हम क्या सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन यू कैन सी ऑन पेज नंबर फोर्टी सेवन ऑफ योर बुक मल्टीप्लीकेशन बाय वन एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय वन गिव्स द प्रोडक्ट एज द नंबर इट अगर हम वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इट्सल्फ ही हमें एज एन आंसर एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा सीधा एग्जाम्पल थ्री मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल्स टू थ्री जब हमने थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला थ्री ना मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो गिव्स द प्रोडक्ट जीरो अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है जीरो सीधा एग्जाम्पल टू मल्टीप्लाइड बाय जीरो नाउ ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या अगर हम मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा इवन इफ द ऑफ़ द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाई चेंजेस दे प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम जैसे कि हमें एग्जाम्पल देखो हमको टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स आंसर मिला हमने टू की टेबल थ्री टाइम्स बोला तो हमको सिक्स आंसर मिला और अगर हमने थ्री का टेबल टू टाइम्स बोला तो भी हमें सिक्स आंसर मिला दिस शोज कि अगर हम टू और थ्री का प्लेस चेंज कर दें चाहे हम थ्री को पहले लिखें या हम टू को पहले लिखें बट इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होगा सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल सिक्स मल्टीप्लाई बाय सेवन इज इक्वल्स टू फोर्टी टू जब हमने सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया सेवनटी टू और फिर हमने इनकी प्लेसेस चेंज कर दिए अब हमने सेवन को मल्टीप्लाई किया सिक्स से तो भी हमारे पास आंसर क्या आया फोर्टी टू सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय टेन अब हम टेन से मल्टीप्लाई करते हैं देखो टेन इज वन टेन हम टेन को क्या मानते हैं वन टेन बोलते हैं ना नाउ फिफ्टी एट मल्टीप्लाई बाय टेन अगर हम फिफ्टी एट मल्टीप्लाई बाय टेन करना चाहते हैं तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं फिफ्टी एट मल्टीप्लाई बाय वन टेन है 58 110, हाँ ना हम फिफ्टी एट को वन टेन मान सकते हैं वन टेन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमने टेन को वन टेन माना है अब हम क्या करेंगे फिफ्टी एट टेन्स को अगर हम 158 को अगर हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 58 एट टेंस ग्रू अभी हमने सीखा था ना हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद हमें मिल जाता है तो यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया है हमने 58 को 110 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 58 एट टेंस अब 58 एट टेंस तो हमें मिल गए बट हमें तो फिफ्टी एट वन में आंसर चाहिए था ना तो हमने क्या किया जो टेन का जीरो था वो हमने फिफ्टी एट के आगे ज्वाइन कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइव हंड्रेड एंड एटी वन टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय टेन जस्ट प्लेस अ जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर ग्रू जब हम किसी भी नंबर को टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जो आता है वो बहुत ईजी होता है ढूंढना कैसे हमें क्या करना होता है जो नंबर होता है बस उसके एंड में हमको एक जीरो लगा देना होता है और हमें हमारा आंसर मिल जाता है ना वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट वन नंबर्स विदाउट कैरी वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स वर्टिकली आर शोन अब हम विदाउट कैरी वाला मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे तो देखो टू जो है वो हमारा क्या है मल्टीप्लीके मल्टीप्लिकन मीन्स जो हम नंबर ऊपर लिखते हैं थ्री इज मल्टीप्लायर जिससे हम टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड सिक्स इज आर प्रोडक्ट दैट इज आर आंसर तो हमने क्या किया थ्री की टेबल हमने टू टाइम्स बोली थ्री वन जा थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स और हमें हमारा आंसर मिल गया सिमिलरली यू कैन सी द सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर तो हमने फोर का टेबल थ्री टाइम्स बोला फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व और हमारा आंसर आ गया सो so, अगर हमें फोर का टेबल नहीं आ रहा तो हम थ्री का टेबल भी बोल सकते हैं अभी हमने पढ़ा था कम्युटेटिव प्रॉपर्टी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन का आंसर हमें सेम मिलता है सो वी कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो बट यू हैव टू लर्न द टेबल्स नाउ मल्टीप्लाइंग टू डिजिट नंबर विद वन डिजिट नंबर विदाउट कैरी ओवर अब हम टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे विद वन डिजिट नंबर अभी हमने वन वन नंबर का किया था अब हम टू का करेंगे वाइल मल्टीप्लाइंग अ टू डिजिट नंबर विद अ वन डिजिट नंबर फर्स्ट वी पुट द नंबर्स वर्टिकली इन प्रॉपर कॉलम्स ऑफ टेंस एंड वंस हमें प्रॉपर प्लेस देखकर ही नंबर्स को राइट डाउन करना होता है उनकी प्रॉपर जगह पर मल्टीप्लाई द मल्टीप्लायर विद द वंस डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकन एंड द टेंस डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकन हम क्या करते हैं फिर जब हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना तो पहले हम वंस से करते हैं और उसके बाद हम टें वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एज यू सी इन योर बुक्स पेज नंबर फोर्टी एट एग्जाम्पल ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई थ्री हमें ट्वेल्व को थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने क्या किया हमने पहले ट्वेल्व लिखा टू डिजिट नंबर को हमने ऊपर लिखा और सिंगल डिजिट नंबर को हमने नीचे लिखा और सिंगल डिजिट नंबर को हमने वन्स वाली प्लेस पर लिखा सबसे पहले स्टेप वन मल्टीप्लाई विद वन्स प्लेस अब हम थ्री को जो वन्स प्लेस पर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स हमें आंसर क्या मिल गया सिक्स सो राइट सिक्स इन द वस प्लेस और फिर हम वंस की प्लेस पर नीचे आंसर में सिक्स लिख देंगे नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट अब हम थ्री का टेबल वन से करेंगे थ्री का टेबल वन टाइम बोलेंगे टेंस वाला जो नंबर है थ्री को उससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाईड बाई वन इज इक्वल्स टू थ्री अब हमें पता है थ्री वन सा थ्री होता है तो हमारा टें के नीचे क्या आंसर आ जाएगा थ्री सो अर आंसर विल बी थ्री सिक्स थर्टी सिक्स देर फोर ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई द टें प्लेस देखो अभी हमने क्या सीखा था पहले वन प्लेस पे हमने मल्टीप्लाई किया और फिर हमने टेंस प्लेस पे मल्टीप्लाई किया और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आंसर क्या मिल गया थ्री सिक्स नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल डू मल्टीप्लीकेशन विद कैरी ओवर दिस इज आर नेक्स्ट टॉपिक रूमीज अब हम कैरी ओवर के साथ मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे यू कैन सी ऑन पेज नंबर forty nine, example twenty three मल्टीप्लाइड by four. अब हमें twenty three को four से मल्टीप्लाई करना है तो हमने पहले twenty three लिख दिया और उसके नीचे four लिख दिया नाउ फर्स्ट what वी विल डू हम ones वाले प्लेस पर जो नंबर है उससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व अब हमारे पास ट्वेल्व आ गया तो हम क्या करेंगे हमने वन टेंस वाली प्लेस पर कैरी ओवर दे दिया और जो टू है वो हमने वन वाली प्लेस पर नीचे आंसर में लिख दिया राइट टू इन द वस प्लेस एंड कैरी ओवर वन टू द टेंस प्लेस वन हमने कैरी ओवर में दे दिया नाउ स्टेप नंबर टू मल्टीप्लाई विद द टेंस प्लेस अब हम फोर को टेंस प्लेस पर जो नंबर है दैट इज टू हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हेन वी मल्टीप्लाई फोर बाय टू वी गेट एट टेंस हमारे पास क्या आंसर आ गया एट तो अब हम क्या करेंगे नाउ वी हैव टू ऐड कैरी ओवर वन टेन दैट इज अब हमारे पास जो एट आंसर आया था हम उसमें जो हमारा कैरी ओवर आया है वन उसे ऐड कर देंगे सो एट प्लस वन इज इक्वल्स टू नाइन हमारा आंसर क्या आ गया नाइन राइट नाइन इन द टेंस प्लेस अब हम टेंस प्लेस पर क्या लिख देंगे नाइन मल्टीप्लाइंग थ्री डिजिट नंबर विद अ वन डिजिट नंबर विदाउट कैरी ओवर अब हम थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे विद वन डिजिट नंबर एंड दिस विल बी विदाउट कैरी ओवर इसमें हम कैरी ओवर नहीं देंगे यू कैन सी इट्स एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर फिफ्टी वाइल मल्टीप्लाइंग अ थ्री डिजिट नंबर विद अ वन डिजिट नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई द वंस प्लेस हम वंस प्लेस के नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन द टें प्लेस एंड फाइनली द हंड्रेड प्लेस वैसे ही हमने जैसे पहले टू डिजिट में किया था पहले हमने वन्स वाले से मल्टीप्लाई किया फिर टेंस वाले से किया वैसे ही अब थ्री डिजिट नंबर में पहले हम वन्स प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एट दी एंड हम थर्ड्स वाली प्लेस हंड्रेड्स वाली प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल फोर हंड्रेड एंड थर्टीन बाई टू नाउ स्टेप वन मल्टीप्लाई विथ द वंस प्लेस सबसे पहले हम वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स और वी कैन राइट थ्री मल्टीप्लाईड बाई टू इज इक्वल्स टू सिक्स सो राइट सिक्स इन द वंस प्लेस हमने वंस प्लेस पर क्या लिख दिया स्टेप नंबर टू मल्टीप्लाई विद द टेंस प्लेस डिजिट टेंस की प्लेस पर जो डिजिट है दैट इज वन हम उससे टू को मल्टीप्लाई करेंगे सो वन मल्टीप्लाईड बाई टू इज इक्वल्स टू टू राइट टू इन द टेंस प्लेस अब हम आंसर में जो टेंस प्लेस है उसमें टू लिख देंगे नाउ स्टेप नंबर थ्री मल्टीप्लाई विद द हंड्रेड प्लेस डिजिट अब हम हंड्रेड की प्लेस पर जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे फोर मल्टीप्लाईड बाई टू इज इक्वल्स टू एट नाउ राइट एट इन द हंड्रेड प्लेस अब जो हमारा आंसर आ गया एट वो हम कहाँ लिखेंगे हंड्रेड्स की प्लेस पर आंसर में लिखेंगे देर फोर फोर हंड्रेड एंड थर्टीन मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल्स टू एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स सो ग्रूमीज दिस इज हाउ वी गोट आर आंसर सो नाउ I hope you all enjoyed the chapter and understood it well. Groomies, you have to do all the related exercises in your notebooks. Thank you for joining today's class.